तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ जीसीबी यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल बाय अल्टीमेट एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोल का जीसीबी यानी कि कोल का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इसके अल्टीमेट एनालिसिस की मदद से कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैलकुलेशन ऑफ जीसीवी ऑफ कोल बाय प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, यानी कि कोल का हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करके कैसे उसका जीसीवी फाइंड आउट किए थे, किस फॉर्मूला में हम लोग उसको राइट डाउन किए थे, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोल का अल्टीमेट एनालिसिस करके हम लोग कैसे उसका जीसीवी फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कोल का जीसीवी यानी कि कोल का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इसके अल्टीमेट एनालिसिस की मदद से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोल का एनालिसिस दो टाइप से किया जाता है, जिसमें पहला होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और दूसरा होता है अल्टीमेट एनालिसिस। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस में कोल के अंदर जितने भी एलिमेंट था उसका क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे थे। तो हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे थे कि कोल के अंदर ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है, उसके बाद हम लोग देख रहे थे कोल के अंदर हाइड्रोजन कितना अवेलेबल है, उसके बाद हम लोग देख रहे थे नाइट्रोजन, उसके बाद हम लोग देख रहे थे सल्फर, ठीक है, और उसके बाद हम लोग देख रहे थे कोल के अंदर कार्बन कितना है। तो मान लीजिए कि कोल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज कितना है, 3% है, हाइड्रोजन मान लीजिए 2% है, और सल्फर मान लीजिए कितना है, तो सल्फर मान लीजिए 0.5% है, और कार्बन मान लीजिए 30% है, और रिमेनिंग क्या है हमारा, नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो इस पैरामीटर की मदद से हम लोग देखेंगे कि कोल का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा। अगर आपको कोल का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो हमारा एलिमेंट है इसका प्रॉपर कंबसन होने के बाद ये कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का हम लोग प्रॉपर कंबसन करवाएंगे तो ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली हमारा सल्फर, सिमिलरली हमारा कार्बन को जब हम लोग बर्न करेंगे तो ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कोल के अंदर क्या है, कार्बन है, तो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा तो ये कितना प्रोड्यूस करता है, तो 8080 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ कार्बन हीट प्रोड्यूस करता है। यानी कि 1 केजी कार्बन को अगर आप बर्न करेंगे तो CO2 प्लस 8080 किलो कैलोरी क्या करेगा, हीट जनरेट करता है। सिमिलरली अगर हमारा जो कार्बन है इसका इनकम्प्लीट कंबशन हो, यानी कि मान लीजिए हमारा यहां पे क्या है, 2C है, ठीक है, और प्लस O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, 2CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, और इस कंडीशन में ये कितना हीट प्रोड्यूस करता है, तो 2430 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ कार्बन। यानी कि अगर हमारा कार्बन का प्रॉपर कंबसन नहीं हुआ यानी इनकम्प्लीट कंबसन हुआ तो ये कम हीट प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन को प्रॉपर कंबसन करवाते हैं जिससे हमें कितना हीट मिल रहा है, तो 8080। तो हमारे पास क्या है, कार्बन है, तो हमारा कार्बन कितना प्रोड्यूस करेगा, 8080। सिमिलरली अगर हम लोग हाइड्रोजन के केस में देखते हैं या सल्फर देख लीजिए, अगर सल्फर देखेंगे तो सल्फर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या करता है, कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, 2220 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ सल्फर। यानी 1 केजी अगर सल्फर को आप बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस इतना अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी 2220 किलो कैलोरी क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग हाइड्रोजन के केस में देखें तो H क्या होता है, H2 प्लस हाफ O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2O यानी कि वाटर बना लेता है, और इस कंडीशन में ये कितना हीट जनरेट करता है, तो 34,500 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि 1 केजी अगर आप हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो 34,500 किलो कैलोरी क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। अगर सल्फर की बात करें
1 kg सल्फर 2220 कैलोरी, वही अगर कार्बन की बात करें तो 8080 किलो कैलोरी। यानी कि सबसे ज्यादा हीट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हाइड्रोजन कर रहा है। हाइड्रोजन का जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितना होता है, तो 34500 होता है। यहां पे देखिए ये लास्ट वाले रिएक्शन में कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, प्लस इतना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो वाटर होता है इसको जैसे ही हीट मिलता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके ये वाटर क्या हो जाता है, अपना फेज चेंज कर देता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कि वहां से वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहां पे ये देखना है कि कितना अमाउंट में जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि जितना कोल के अंदर हाइड्रोजन है वो सारा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना रहा है। कुछ हाइड्रोजन होगा जो इसके साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा और कुछ जो हाइड्रोजन होगा वो क्या करेगा, टोटली इसका कंबस्शन होगा। तो देखिए यहां पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, इनटू 2 कर दीजिए और प्लस हाफ है, आप हाफ कर दीजिए, इनटू ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 इनटू 2 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 1 into 2 plus 16 हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 16, और इधर 18 हो जाएगा। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 part ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद ये कितना हो जाएगा, 8 part ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 9 part ऑफ वाटर। यानी 8 part ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 1 part ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर मींस स्टीम। यानी कि 8 part हमारा जो ऑक्सीजन है वो 1 part हाइड्रोजन के साथ मिल करके क्या बना रहा है, तो स्टीम बना रहा है। तो यहां पे हम लोग को ये पता है कि टोटल अवेलेबल हाइड्रोजन कितना है और इस हाइड्रोजन में से कितना हाइड्रोजन जो है वो वाटर में फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1/8 part ऑफ ऑक्सीजन को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना हाइड्रोजन जो है उसका कंबस्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कंबसिबल हाइड्रोजन अगर पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल हाइड्रोजन माइनस हम लोग 1/8 part ऑफ ऑक्सीजन को अगर माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इतना हाइड्रोजन है जिसका कंबस्शन हो रहा है। तो हम लोग इसके मदद से एक फॉर्मूला डेवलप किया गया है ड्यूलॉन्ग्स द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और यहां पर हम लोग ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला क्या होता है। तो इस फॉर्मूला के अंतर्गत बताया गया है कि अगर आपको कोल का कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो कोल के अंदर जितने भी कंबसिबल एलिमेंट है उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे तो आपका कोल का कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगा। जैसा कि हम लोग क्या किए कि कोल के अंदर जो कार्बन है 1 kg कार्बन को जब जलाए तो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, तो 8080 है। तो 8080 इंटू क्या कर देंगे, कार्बन कर देंगे, प्लस जब हम लोग हाइड्रोजन 1 kg को बर्न कराए थे तो कितना आया था, तो 34500। और इसका हम लोग को एक्चुअल जो कंबस्शन हो रहा है हाइड्रोजन का वो कितना हो रहा है, तो H-O2/8 हो जा रहा है, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, हम लोग सल्फर का देखे थे, तो सल्फर का जब हम लोग कंबस्शन करवाए थे 1 kg सल्फर का, तो इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू आया था वो कितना था, 2220 है ना, इनटू सल्फर हो जाएगा। तो ये है हमारा ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अंदर हम लोग ये सब सारा पैरामीटर को रख देंगे तो हमें कोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करके भी देख लेते हैं। तो यहां पे क्या है, 8080 है और इनटू कार्बन कितना है, यहां पे 30% है, तो आप 30% है तो नीचे 100 हो जाएगा, तो हम लोग एग्रीगेट में 100 कर देंगे। और प्लस क्या है, 34500। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे अवेलेबल, 2 है। और माइनस क्या करना है, O2 कितना है यहाँ पे, देखिए 3% आया है, तो 3/8 कर दीजिए। और प्लस क्या है, 2220 इंटू सल्फर कितना है, तो सल्फर आया है 0.5 और परसेंटेज में है तो क्या हो जाएगा, हम लोग का सभी के नीचे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 100 राइट डाउन कर दे रहा हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो मैं इसके लिए कैलकुलेटर से देख लेता हूँ कि कितना आ रहा है, 8080 इंटू 30, तो ये कितना हो जा रहा है, 24200 हो जा रहा है प्लस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को कर लेते हैं, यानी कि 2 - 3/8 अगर आप क्या करेंगे, 3/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.37, और 2 माइनस
0.37 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.62 और इनटू कर देना है 34,500, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5606 2.5, और प्लस है प्लस कर दीजिए, और इसमें आपको क्या करना है 2220 और इनटू कर देना है 0.5 से, तो ये वैल्यू कितना आ जा रहा है 1110, इतना हो जा रहा है। अब डिवाइड क्या है, इसके डिवाइड में है 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि तीनों को आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 1110 प्लस 5606 टू पॉइंट कितना है 5 है, और प्लस क्या कर देना है आपको 242400, तो ये वैल्यू कितना आ जा रहा है 2995 7 2.5, और डिवाइड क्या हो जाएगा 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2995.725, ये क्या हो जाएगा किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि जब हम लोग 1 kg कोल को जलाएंगे तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, तो 2995.725 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से इस ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला की मदद से कोल का अल्टीमेट एनालिसिस करके भी हम लोग ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ जीसीवी ऑफ कोल बाय देयर अल्टीमेट एनालिसिस। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।